प्रैक्टिकली एथर एपेक्स एथर 450X जितना एक्सपेंसिव नहीं है। एथर एपेक्स के साथ आपको क्या क्या मिलेगा? पहला एथर डियो चार्जर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कोई प्रो पैक लेने की जरूरी नहीं है, सारा स्कूटर के साथ खुद आ जाएगा। डिफॉल्ट कस्टमाइज्ड फुल साइज एपेक्स हेलमेट मिलेगा, नेक गेटर, की चेन एंड ब्राइट ऑरेंज चैसी को फ्लॉन्ट करने वाला ट्रांसलूसेंट बॉडी। जिन्हें सारे फीचर्स एट एन ऑन रोड प्राइस ऑफ 2,03,000 इन बेंगलोर। एवरी स्कूटर के जैसा इसमें भी काफी पॉजिटिव्स है, काफी नेगेटिव्स है। पहला इसका पॉजिटिव, पूरे चार्ज में स्मार्ट इको मोड में इस स्कूटर देता है 110 किलोमीटर ऑफ रेंज एंड वार्प प्लस दी बेस्ट परफॉर्मिंग ड्राइविंग मोड में हमारे रेंज टेस्ट में पिलियन के साथ 80 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। इस स्कूटर का सर्टिफाइड रेंज 157 किलोमीटर, मतलब अगर थोड़ा सा धीरे चलाएंगे, थोड़ा ज्यादा रीजनरेट करेंगे, आराम से चलाएंगे तो 110 किलोमीटर स्मार्ट इको मोड रेंज से भी ज्यादा आ सकता है। नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस, वार्प प्लस यार खतरनाक ड्राइविंग मोड है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। एवरी एथर स्कूटर में एथर 50X में पर्टिकुलरली 0-40 km/h स्पीड तक एक्सेलरेशन वेरी स्ट्रॉन्ग है। इसमें 40 km/h से 80 km/h स्पीड तक भी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। अगर आपके पास में कोई शोरूम है एथर एपेक्स से, एक टेस्ट राइड कर लेना यार, बहुत मजा आएगा। टॉप स्पीड 100 km/h है, फर्स्ट एथर स्कूटर जिसका टॉप स्पीड 90 क्रॉस करके 100 तक गया। बाकी सारे ड्राइविंग मोड, स्मार्ट इको मोड, राइड एंड स्पोर्ट्स मोड आर एग्जैक्टली एज सेम एज इन एथर 50X स्कूटर्स। एंड नेक्स्ट इस स्कूटर का मैजिक ट्विस्ट, जो रीजनरेशन जैसा भी काम करेगा, ब्रेकिंग जैसा भी काम करेगा, जो 100% to 0% एट एनी चार्ज लेवल आपको बहुत काम आएगा। ओला S1 प्रो का रीजनरेशन जैसा ही बिहेवियर होगा, बट कंपैरिजन में फर्क ये है कि S1 Pro में 80% से चार्ज गिरते जाते जाते वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। पूरे चार्ज होने में ट्विस्ट करने पे भी स्कूटर रिजनरेट नहीं करेगा, आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। एथर एपेक्स में चार्ज पूरा भी हो, यू कैन ट्विस्ट द एक्सेलरेटर टू द अदर साइड, मैजिक ट्विस्ट इस्तेमाल करके गाड़ी को स्लो कर सकते हो, जो रिजनरेट नहीं करेगा बट गाड़ी को स्लो करेगा, विच मीन्स एट एनी चार्ज लेवल एक ही जैसा आप चला सकते हो। पूरे चार्ज होने में इट वोंट रिजनरेट, चार्ज गिरते जाते जाते द स्कूटर विल टेक केयर ऑफ द रिजनरेशन। मैजिक ट्विस्ट स्कूटर को टॉप स्पीड से 20-25 km/h तक आराम से ले आ सकता है। उसके बाद गाड़ी रोकना है तो ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज फ्रॉम दैट 25 km/h to 0 km/h रीजनरेशन आपको ज्यादा नहीं होगा एंड गाड़ी स्लो होना बहुत देर लग जाएगा, सो वहां पर ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ब्रेक का काम बहुत आएगा, लेकिन ट्रैफिक नहीं है, स्लो करने के लिए मैजिक ट्विस्ट इज द बेस्ट। एंड नेक्स्ट इसके साथ यू हैव फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है। एक्सेलरेशन जितना स्ट्रॉन्ग है उतने ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है, आपको वेरी कॉन्फिडेंट सॉलिड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके साथ यू हैव कोस्टिंग रीजनरेशन ऑल्सो, एडवांटेज ये है कि इसमें आप कोस्टिंग रीजनरेशन को नहीं चाहिए तो डैशबोर्ड पे बंद कर सकते हो, लेकिन अगर ऑन है ना, ब्रेक लगाने की जरूरी बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड, द फर्स्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, इस स्कूटर का आप ड्राइव करते वक्त आप ऑब्जर्व करोगे इसका इंटरफेस यार। वार्प प्लस मोड का ग्राफिक्स बहुत कमाल का है, मतलब फॉर फ्यू सेकंड्स आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेगा कि ये बहुत सुंदर है, बट यू वुड लव द ग्राफिक्स। 7-inch टच स्क्रीन TFT डिस्प्ले है विद एथर स्टैक 6 अपग्रेड, इस डैशबोर्ड पे फीचर्स बहुत कमाल का हो गया है। इस डैशबोर्ड के साथ यू हैव जॉयस्टिक ऑल्सो, विच मीन्स ड्राइविंग करते वक्त भी डैशबोर्ड पे फीचर्स को आप चेंज कर सकते हो। अगर ड्राइविंग करते वक्त डार्क मोड से लाइट मोड को चेंज करना है, एपेक्स में लाइट मोड नहीं है, ओनली डार्क मोड ही है जिसका सनलाइट विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। डैशबोर्ड का ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज करना है, सेव्ड एड्रेसेस को नेविगेशन लगाना है, ड्राइविंग करते वक्त भी हैंडल पे जॉयस्टिक को यूज करके डैशबोर्ड पे आप नेविगेशन लगा सकते हो, वेरी इजी टू यूज है। नेक्स्ट एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, इस गाड़ी को ड्राइव करने के 10-15 मिनट में ही आपको बहुत कंट्रोल में आ जाएगा गाड़ी, यू विल एंजॉय द एक्सेलरेटर। हल्का सा भी स्पीड एडजस्टमेंट्स करना है आप आराम से कर सकते हो, गाड़ी कंट्रोल में बहुत इजीली आ जाएगा, जो ट्रैफिक जाम्स में बहुत काम आएगा। एंड नेक्स्ट ऑटो होल्ड, इस गाड़ी में एक स्लो पीरियड में आप ब्रेक्स मारते ही ऑटो होल्ड ऑन हो जाएगा, जिसको आप ऑन डैशबोर्ड ऑन ऑफ कर सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर स्विच, लेकिन अगर ऑन है गाड़ी 12.5 मिनट्स तक एक ही स्पॉट पे पकड़ के रखेगा, विच इज अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, आपको बहुत काम आएगा। इसके अलावा इस स्कूटर के साथ सेफ्टी फीचर्स लाइक इमरजेंसी ब्रेकिंग इंडिकेटर, फॉल सेफ, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को लाइव लोकेशन भेजना, ऑल दिस फीचर्स भी है। उसके साथ सीट्स एंड सस्पेंशन, वेरी फ्लैट एंड कंफर्टेबल सीट्स है, रोड्स गंदा भी हो वेरी कंफर्टेबल सीट्स मिलेगा विद दिस स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन, फ्रंट टेलीस्कोपिक एंड रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन, रोड्स गंदा भी हो फिर भी यू विल हैव वेरी सॉलिड कंफर्टेबल राइड। नेक्स्ट 22 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, एक फुल साइज हेलमेट और एथर डियो चार्जर प्लस हाफ साइज हेलमेट आराम से चल जाएगा। अगर रिश्ता के साथ कंपेयर करेंगे तो छोटा है, बट दिस फॉर अ सिटी यूज ऑन प्रैक्टिकल डे वर्क्स फाइन। एंड नेक्स्ट इसका चार्जिंग, होम चार्जर में 5 hours 40 minutes तक लग सकता है, ऐसा स्पेसिफिकेशन सीट्स बोलता है, लेकिन अगर आप रात भर इस स्कूटर को चार्जिंग लगाने वाले हो तो दिस ड्यूरेशन ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके साथ यू हैव फास्ट चार्जर्स ऑल्सो, जहां पर फॉर एवरी मिनट यू कैन एड 1.5 kilometers ऑफ रेंज एंड फॉर दैट 1 minute यू विल पे 1 rupee, विच मीन्स अगर इमरजेंसी आपको रेंज चाहिए, रेंज एंग्जाइटी है, देन यू कैन यूज दिस फास्ट चार्जर्स, 10-15 मिनट चार्जिंग कर लो, 20 rupees पे कर लो, यू विल गेट अ रेंज ऑफ 15-20 kilometers आराम से। नेक्स्ट इसका साइड मिरर्स, वेरी प्रैक्टिकल डिजाइन है, पास वाला गाड़ी भी दिखेगा, दूर वाला गाड़ी भी दिखेगा, बहुत काम आएगा बहुत। एंड नेक्स्ट इसके साथ कोई प्रो पैक लेने की जरूरी नहीं है, ऑन रोड प्राइस आपको
प्राइस जितना होगा उतना देकर आप गाड़ी ले लें, प्रो पैक एंड ऑल द टेक फीचर्स स्कूटर के साथ बाई डिफॉल्ट आ जाएगा, आपको लाइफ लॉन्ग कोई पे करने की जरूरी नहीं है। एंड नेक्स्ट इसका डिजाइन यार, ट्रांसलूसेंट बॉडी, वेरी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड चैसिस को फ्लॉन्ट करने वाला बॉडी। इस गाड़ी को मैं जहां पर भी लेके गया, मैंने इस गाड़ी को 1 वीक चलाया, जहां पर भी ड्राइव किया सभी का नजर इसके ऊपर ही था, अटेंशन ग्रैब है ऑन द रोड। इस गाड़ी में फ्यू अपग्रेड्स भी मिलेगा फ्रॉम 450X। पहला, इसका जो सैरी गार्ड आता है उसका जॉइंट्स को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड सॉलिड बनाया। पहला वाला सैरी गार्ड वेरी वीक होता था, जो इजीली टूटने जैसा होता था, एंड बहुत लोगों को सैरी गार्ड टूट भी गया। उसके साथ बेल्ट ड्राइव के ऊपर भी एक कवरिंग दिया गया जो धूल मिट्टी बारिश की मिट्टी से बेल्ट को बचा के रखेगा, विच मीन्स रिपेयर होने का चांसेस कम होगा। एंड नेक्स्ट इसका चार्जिंग पोर्ट के ऊपर भी जो कवर होता है उसको भी थोड़ा चेंज किया, मतलब इट इज नॉट अ ह्यूज अपग्रेड, बट चार्जर सॉकेट को खोलना एंड बंद करना आसान हुआ। अब इतने प्रीमियम, इतने अच्छे फीचर्स देने वाले गाड़ी में भी लिमिटेशंस एंड नेगेटिव्स है। पहला, इसका प्राइसिंग 2.03 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस इन बेंगलोर। अप फ्रंट कॉस्ट ज्यादा है, दी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हेलमेट, बहुत सारा चीजें मिलेगा, लेकिन अप फ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एंड नेक्स्ट, स्कूटर में काफी लिमिटेशंस भी है। पहला, इसका ऑटो होल्ड, ऑटो होल्ड बहुत कमाल का फीचर है, 12.5 मिनट्स एक स्पॉट में रखेगा, लेकिन अगर आप टॉप स्पीड में बहुत देर तक ऑन हाईवे ऑन हॉट सनी डे बहुत धूप में टॉप स्पीड में आप गाड़ी को चला रहे हो, हमने एक बार किया था वॉर प्लस मोड का लिमिट्स टेस्ट किया, उसमें 15-20 किलोमीटर ड्राइव करते ही मोटर हॉट हो गया, उसके वजह से ऑटो होल्ड कट ऑफ हो गया। बहुत देर के बाद काम नहीं किया अंटिल वी स्टॉप द स्कूटर, 3.5 to 4 मिनट्स के बाद जैसे द मोटर कूल डाउन हुआ तब ऑटो होल्ड स्टार्ट हुआ। इन ऑल द ईवीस अगर मोटर गर्म हुआ ऑटो होल्ड विल बी द फर्स्ट थिंग जो कट ऑफ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, मैजिक क्विज कट ऑफ, हमारे वॉर प्लेस मोड का लिमिट टेस्ट में 20-25 किलोमीटर के बाद जैसे मोटर ज्यादा हॉट हुआ मैजिक ट्विस्ट भी बंद हो गया, काम नहीं किया, इतना हॉट कर लिया हमने दैट मैजिक ट्विस्ट स्टॉप वर्किंग, विच मींस मैजिक ट्विस्ट काम करने के लिए भी मोटर का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने तो थ्रू आउट द राइड 100 kmph में ही हमने चलाया थ्रू आउट द राइड, तो मोटर ज्यादा हॉट हुआ। ऑन ए प्रैक्टिकल डे अगर आप इनसाइड सिटी 50-60-70 में ही आप ड्राइव करने वाले हो, बार बार स्लो करना, बार बार एक्सीलरेट करना, ट्रैफिक में रोकना, ऑल दोस थिंग्स अगर कंसिडर करें देन ऑटो होल्ड एंड मैजिक ट्विस्ट दोनों कट ऑफ नहीं होगा। जब भी आप गाड़ी को स्लो करेंगे रोकेंगे ट्रैफिक में दैट टाइम ड्यूरेशन इज एनफ टू कूल डाउन द मोटर। एंड नेक्स्ट, ट्रांसलूसेंट बॉडी का एक प्रॉब्लम है, देखने के लिए बहुत सुंदर है लेकिन जब भी आप इस गाड़ी को वॉश करेंगे मॉइस्चर की वजह से ट्रांसलूसेंट बॉडी के ऊपर एक मिस्ट जैसा एक लुक बन जाएगा जो हाफ आवर या 1 आवर गाड़ी को धूप में रखने से ठीक हो जाएगा। नॉट ए बिग इशू बट जस्ट लेटिंग यू नो, पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है एंड लिमिटेशंस भी है एथर एपेक्स में, बट एथर एपेक्स 2.03 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में एक्सपेंसिव है क्या असली में? एथर 50X 3.7 किलोवाट आवर वाला 1.83 लाख ऑफ ऑन रोड प्राइस में मिलेगा बेंगलोर में प्रो पैक के साथ। इस 20,000 का फर्क इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब मैंने एथर एपेक्स को 1 वीक चलाया, मेरा एथर 50X सेकंड जनरेशन को 3 ईयर से मैं चला रहा हूँ। 1 वीक एपेक्स को चलाने के बाद जिसे मैं वापस अपने गाड़ी को लिया, मुझे लगा कि बहुत धीरे वेरी स्लो चलाने पुराना गाड़ी को चला रहा हूँ। दैट 1 वीक एक्सपीरियंस मेड मी फील दैट एथर एपेक्स लेना ही चाहिए। अगर आप फाइनेंसिस देखें, एक ईवी पेट्रोल गाड़ी से प्रॉफिटेबल तभी निकलेगा व्हेन यू राइड एटलीस्ट 100 किलोमीटर से डे, पर्टिकुलरली एथर स्कूटर्स जहां पर आप 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हो ऑन द स्कूटर। एवरी डे अगर आप 100 किलोमीटर चलाने वाले हो तभी 2 साल के बाद 3 साल के बाद दिस ईवी स्कूटर पेट्रोल गाड़ी से इकोनॉमिकल हो जाएगा। अगर 50 किलोमीटर ही आप ड्राइव करने वाले हो देन ब्रेक इवन करने के लिए 5 साल एंड 7 साल तक आपको लग जाएगा अगर बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं किया तो, विच मीन्स अगर एनीवे ईवी पे इन्वेस्ट कर रहे हो देन व्हाई नॉट गो फॉर द बेस्ट। ओनली प्रॉब्लम विल बी द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ 2.03 लाख। इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना कमाल का परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन सब एक स्कूटर में आएगा विदाउट नीडिंग टू परचेज अ प्रो पैक, आप क्या करोगे? आप एथर एपेक्स आप लेना चाहते हो? आपका ओपिनियन आप कमेंट में बता देना।